ईरान वर्सेस इंडिया के मैच के बाद अगर एक चीज थी वो ये थी कि चाइनीज टाइपे के साथ जल्दी मैच हो, और एक जो हमारे में प्रॉब्लम रही थी क्लिनिकलिटी अगेंस्ट ईरान, हम उसको खत्म कर पाए और चाइनीज टाइपे के अगेंस्ट स्कोर करें ताकि हम इजीली अगले राउंड तक पहुंचे। बहुत एक्साइटमेंट था, एक इंडिया में कंडक्ट हो रहा था, मुंबई, नवी मुंबई, पुणे, वहां कंडक्ट हो रहा था, लग रहा था कि इस बार चांस हो सकता है हमारा, क्योंकि टॉप 5 टीम्स वुड क्वालिफाई फॉर फीफा वर्ल्ड कप। मे बी मेन से पहले इंडियन वुमेन डू दैट, इससे डजंट मैटर मेन करे वुमेन करे, फुटबॉल विल कम इन अ लाइमलाइट, दैट वुड हैव बीन सो डैम गुड, बट थिंग्स डोंट वर्क आउट लाइक दैट, डू दे? इट डजंट। जो भी ट्रेनिंग फैसिलिटीज, वॉट एवर द वुमेन टीम डिड, एवरीथिंग गॉन टू वेस्ट, एवरीथिंग बिकॉज ऑफ द स्टूपिड कोरोना। आई एम जस्ट सो एंग्री एंड इमेजिन वॉट दे माइट बी गोइंग थ्रू। हम तो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, बट दे वर द वंस प्लेइंग, दे वर द वंस ट्रेनिंग, एंड दीज आर दी कॉम्पिटिशन, दीज आर दी टूर्नामेंट्स दैट दे वॉन्ट टू विन, एंड दे वॉन्ट द सपोर्ट ऑफ द पब्लिक, एंड दिस टाइम दैट दे वर गेटिंग, थोड़ा वो लाइमलाइट मिल रहा था उनको। चक्के क्या, 13 प्लेयर्स आर कोविड पॉजिटिव, 13 आउट ऑफ द 23 वुमेन स्क्वाड दैट वी हैव, एंड वी कुड नॉट फील द टीम। अब हो गया मैच कैंसिल, अब क्या करें? सो प्रफुल पटेल इज द फीफा प्रेसिडेंट, जो इंडिया की तरफ से नॉमिनेट हो रखे हैं, वो हैं प्रफुल पटेल। एंड उन्होंने पता नहीं फीफा को इम्प्रेस करने के लिए, किसको इम्प्रेस करने के लिए, जब कोरोना पीक टाइम पे था, उन्होंने बोला कि हम कंडक्ट करवाएंगे मुंबई में, एंड वी विल मेक श्योर दिस टूर्नामेंट इज कंडक्टेड प्रॉपरली। भाई तुम हर से आईपीएल, आईएसएल, देन आई लीग के मैचेस कंडक्ट नहीं हो रहे, वो तुमने पोस्टपोन करवा दिए। एएफसी वुमेन एशियन कप में ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, चाइना, चाइनीज टाइप है, सबके टीम्स खेल रहे हैं, तुम्हारी ही टीम को कोरोना हुआ, थोड़े तो फैसिलिटीज और प्रोवाइड कर सकते थे फॉर द वुमेन, ताकि वो ढंग से एटलीस्ट खेल तो पाए। हार जाते, नहीं जाते आगे, डजंट मैटर, बट वो जो सीखने को मिलता ना, इतना टू गो इनटू द मैचेस, टू कम्पीट अगेंस्ट देम, एंड चाइनीज टाइपे को हराया हुआ है यार, इस बार चांस था। आई एम पिस्ड ऑफ, आई एम सो पिस्ड ऑफ, एंड इट्स जस्ट सो अपसेटिंग एज वेल, आई डोंट नो हाउ टू रिएक्ट टू इट। आज, वेल टू बी ऑनेस्ट, आज लिवरपूल का मैच भी 7:30 था, सो आई सपोर्ट लिवरपूल, एंड साथ में इंडिया का मैच था 7:30, आई एम वेयरिंग इंडियन जर्सी बिकॉज आई वॉन्टेड टू सपोर्ट द टीम। आई थॉट ठीक है यार, लिवरपूल का मैच है वो बाद में देखेंगे, आज पहले हम चाइनीज टाइपे वर्सेस इंडिया का मैच देखेंगे, वो सपोर्ट करना है, वो देखने क्या होता है यार, एंड दिस इज हाउ इट एंडेड। क्या आप 3 points तुम चाइनीज टाइपे को दे दोगे अकॉर्डिंग टू द रूल्स एएफसी के? भाई हमारी गलती है कोरोना हुआ है, हम क्या करें अभी? लेकिन हाँ, गलती हमारी है ये, जो हम कंडक्ट नहीं कर पाए, हमारी खुद की वुमेन का हम सेफ्टी इंश्योर नहीं कर पाए कि हम एटलीस्ट अपनी टीम फील्ड कर पाते। यार व्हाट इज दिस, दिस इज सो स्टूपिड। अगर चाइनीज टाइपे को 3 points मिल जाते हैं, अगला मैच हमारा चाइना के साथ होगा। चाइना ने चाइनीज टाइपे को 4 goals से हराया, ईरान को 7 goals से हराया। यार चाइना को बीट करना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, इट्स सो डिफिकल्ट। मतलब क्या, मतलब यही समझे ना, दैट इट्स डन एंड डस्टेड, नाउ वी आर आउट। तो हम क्या होप्स किस चीज में रखें? देयर आर सो मेनी वेज दैट वी कुड हैव गॉटन इनटू, एटलीस्ट गिव द गर्ल्स अ चांस, एंड दे वर डूइंग गुड, दे वर प्लेइंग वेल, इट सीम्ड लाइक अ प्रॉपर टीम दैट हैज trained a lot with each other. There was that smoothness in passing. There was a proper plan that was going on the pitch. I was seriously impressed. I was so impressed with women's team, yaar. Shit, man, this is just too much. I don't know. What is this, yaar? Matlab, kya bolu? Itna mehnat karte hain ye players yahan tak pahunchne ke liye. Kitna humble background hota hai inka, yaar. You know, unka age, matlab ye nahi forever khelte rahenge. अभी प्राइम एज होता है यार कुछ प्लेयर्स का। आई डोंट नो, इट्स जस्ट सो केयरलेस ऑफ द कमिटी। अगर तुमने प्लान किया है कि तुम मुंबई में यू नो कितने केसेस राइज होते हैं, तुम वहां पर एक बोल रहे हो कि हम कंपटीशन कराएंगे, तो कराओ ना, कराओ ढंग से तो कराओ, तुम्हारी खुद की टीम को कोरोना हो गया यार। मतलब आई डोंट नो व्हाट टू से, इट्स जस्ट सैड, इट्स जस्ट सो डैम सैड।